राज्य विधानसभा में आज भाजपा विधायक दल की बैठक आहूत की गई। बैठक में हाल ही में असम के राज्यपाल के लिए नामित वरिष्ठ भाजपा विधायक गुलाबचंद कटारिया का सम्मान किया गया। बाद में सदन के बाहर भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपने भाषण में वरिष्ठ सदस्य गुलाबचंद कटारिया ने साथी विधायकों को अपने कार्य और व्यवहार से प्रदेश के विकास में संलग्न रहना चाहिए। वहीं कटारिया ने एक सवाल के जवाब में बताया कि पार्टी में नेता का चुनाव सामूहिक विचार विमर्श से होता है। देखो, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय होता है वो सामूहिक विचारों के बाद होता है। मुझे भी जब बनाया था प्रतिपक्ष का नेता तो सवेरे 8 बजे तक मुझे पता नहीं था कि मैं प्रतिपक्ष का नेता हूँ। इसका मतलब यह है कि हमारी पार्टी सब लोगों से बातचीत करने के बाद जो एक संवैधानिक तरीका है उसके आधार पर विधायकों के बीच में नाम को इनवाइट करते हैं और विधायक दल की तरफ से चुनाव होकर के विधायक दल का जो नेता बनता है हमारी पार्टी का वो प्रतिपक्ष का नेता बनता है। तो हमारे यहाँ कभी इस बारे में कोई बहुत ज़्यादा गंभीर मामला नहीं मानते हम, बहुत आसानी से हो जाता है। इससे पहले सरकार उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने बीएसई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बजट सत्र की आगामी रूपरेखा बताई। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि नए चुनाव की अधिसूचना से पहले बजट की तमाम घोषणाएं पूरी कर दी जाएंगी। आज सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई। आज मुख्य रूप से विधायक दल की बैठक के अंदर लंबा जीवन राजनीति का राजस्थान में विधायक के नाते, सांसद के नाते, मंत्री के नाते और नेता प्रतिपक्ष के रूप में, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में और अब नई दूसरी पारी, दूसरा दायित्व का निर्वहन करने की ओर अग्रसर हो रहे हमारे प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद जी कटारिया को आसाम का राज्यपाल बनाया गया है। एक तरीके से उन्हें शुभकामनाएं विधायक दल की बैठक के अंदर दी गई। वसुंधरा जी ने भी उनके साथ बिताए पलों को याद किया। डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने भी अपने युवा मोर्चा के अंदर किए गए कार्यों को उल्लेख किया। राजेंद्र जी राठौड़ ने भी उनके साथ राजनीति के अंदर जिन पलों को उनको भी साझा करने का काम किया और तमाम विधायकों ने भी उनको शुभकामनाएं दी। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है 10 फरवरी को उसमें चर्चा होगी। कल भी नहीं करते माननीय पक्ष और विपक्ष के 2 दर्जन से ज़्यादा माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। 16 को बाद में फिर सदन के नेता उसमें जवाब देंगे और 17 को फिर जो है वो 2 प्राइवेट बिल रखे जाएंगे और उसके बाद के अंदर फिर अवकाश रहेगा 27 तारीख तक और 28 तारीख को फिर विधानसभा का वापस सत्र चलेगा और फिर जो है डिमांड चालू हो जाएगी 28, 1, 2, 3, 4 तक और फिर होली की छुट्टियां होगी 8 तक और 9, 10, 11 फिर डिमांड पे चर्चा होगी। अलग अलग डिमांड्स रखी है स्पीकर साहब ने, कई ऐसी डिमांड जिन पे कभी चर्चा नहीं हुई उस डिमांड के ऊपर भी चर्चा होगी और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। देखिए, सीएम साहब ने जब राजस्थान में सरकार बनी थी उस वक्त भी घोषणा पत्र को एक दस्तावेज मानकर कहने का अधिकारियों को निर्देश दे दिए थे और 4 साल में जितनी भी बजट घोषणाएं हुई है, मैं खुद भी प्रभारी मंत्री हूँ, पहले जोधपुर का था, अब सिरोही का हूँ, वहाँ पर हम जाते हैं बराबर, वहाँ पर मॉनिटरिंग करते हैं कि सीएम साहब की बजट घोषणाओं में कौन कौन सी क्रियान्विति हुई है और कौन सी नहीं हुई है। जो नहीं हुई है उनको हम करवाने की अपनी ओर से वहाँ पर पूरा प्रयास करते हैं और उसी क्रम के अंदर 10 फरवरी को बजट पेश हुआ और 2 दिन की छुट्टियों के बाद में तुरंत जो है उसके ऊपर क्रियान्विति होना शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राजस्थान के बजट को महंगाई खत्म करने वाला बजट बताया और कहा कि इससे हर वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। हमारा जो राजस्थान का बजट आया है वो एक्सीलेंट है, वो महंगाई खत्म करने वाला, लोगों की आंख में चमक लाने वाला। 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी हमने, अब 1 करोड़ से ज्यादा घरों में बिल 0 आएगा। ये बड़ी सोच है राजस्थान की सरकार की कि लोगों की आंख में चमक होनी चाहिए। विद्यार्थी जब एग्जाम देने जाएगा तो उसका 1 पैसा भी नहीं लगेगा। एक तरफ हम पेपर लीक भी खत्म करना चाहते हैं, करप्शन खत्म करना चाहते हैं, एक्ट लेकर आते हैं और बच्चों को सुविधा दे रहे हैं तो नई नौकरियां भी मिलेगी और वेलफेयर के काम में भी हमने, आप जानते हो, सामाजिक वेलफेयर के नाम ने 1000 रुपये
मिनिमम पेंशन कर दी हमने, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन। तो हमारा तो काम बोलता है, बीजेपी का झूठ बोलता है।